मैं तुम्हें तभी मानूंगा जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। शिव विज्ञान के परे हैं। आज अगर मुझे ये लगे कि इन्होंने अब मेरी ओर देखना बंद कर दिया है तो पता नहीं वो एक श्वास भी मैं कैसे ले पाऊं। तो एक बार कृष्ण की तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत क्या खराब होती है, लीला ही है। यू फॉल इन लव ओनली वंस, रेस्ट ऑल इज इन्फैक्चुएशन। तो प्रेम तो एक ही बार होता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सुस्वागतम महादेव द मिस्ट्री अंडरकवर सीजन 2। माँ बहुत बहुत स्वागत आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव माँ। और इससे बड़ा शिव भाग्य और क्या हो सकता है। सीजन 1 हमने रिकॉर्ड किया और अब सीजन 2 की बारी है। बट सीजन 1 जब आप लोगों तक पहुंचा, उसके एपिसोड्स जब आप लोगों तक पहुंचे, उसमें आपके प्रश्न, आपका कौतूहल, आपके तमाम ऐसे सवाल जो माँ तक पहुँचे, मुझ तक पहुँचे, और उसके बाद ये तय हुआ कि सीज़न 2 में उन सवालों के जवाब बहुत प्रेम से हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन जब मैं शिव भाग्य कह रहा था कि इससे बड़ा शिव भाग्य क्या हो सकता है, वो आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। पहले सीज़न में हमने शिव भाग्य कहा था। आज 10 मई है। आज बाबा केदारनाथ डोली वहाँ पहुँची है और आज बाबा के कपाट खुले हैं। और इसीलिए मैंने कहा, मैं माँ से यही चर्चा कर रहा था, इससे बड़ा शिव भाग्य और क्या हो सकता है, और उससे बड़ा शिव आंदोलन और क्या हो सकता है, जो इस वक्त केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने जो लोग मौजूद हैं, जो शिव भक्त मौजूद हैं, ये एक इतिहास बनता हम देख रहे हैं। और इसीलिए जब पहले सीज़न में भी बात हुई थी तो बड़े तारतम्य के साथ हमने चीज़ें एक एक करके बात की थी। शुरुआत पहले सीज़न के उन्हीं कुछ बातों से जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की। माँ, सीज़न 1 जब रिलीज़ हो रहा था और एक एक एपिसोड्स जब जा रहे थे, और उसके बाद जब रील्स जाने शुरू हुए, एक ऐसी रील जिस पर सुबह 9:30 बजे आपका मैसेज आया कि ये क्या हो रहा है, मिलियंस में व्यूज़ जाने शुरू हुए और उसके साक्षी बने, पूरी टीम उसकी साक्षी बनी, पहला भाव क्या आया था माँ? पहला भाव अमित, शिव भाग्य। शिव भाग्य। और जब हमारा शिव भाग्य बनता है ना अमित, वहीं से शुरुआत होती है शिव आंदोलन की। जब हमने सीजन 1 बनाया तो कुछ डर भी था कि हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं, इनका निर्देश था, इनका आदेश था, और कुछ कौतूहल तुम्हारे दिल में ये भी था कि माँ क्या लोग समझ पाएंगे इतनी गंभीर बातों को, शिव को क्या समझ पाएंगे लोग। तो हमने सोचा चलो करके देखते हैं और अपनी ऑडियंस पर छोड़ते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि किस तरह से रोज़ कितने मैसेजेस आ रहे थे, और तुम्हारा डीएम और मेरा डीएम, दोनों हमारे डीएम्स पे कितने सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो ये बात तो निश्चित है कि शिव से परिचय सबका है, लेकिन शिव का अनुभव नहीं हो पा रहा है। परिचय सबका है, पर हाँ, हम साक्षी बने हैं एक अद्भुत घटना के जो हमारे सीजन 1 में घटी है, जिसमें मिलियंस में, 2.4 मिलियंस कई रील्स तो हमारी टच हुई हैं, और लोगों ने समझा है शिव को, लोगों ने शायद मेरा प्रेम जो इनके लिए है उसको भी समझा है। तो हम तो केवल धन्यवाद ही दे सकते हैं अपनी ऑडियंस का। और हमने उनको कहा था कि आप ही का प्रेम होगा जो कि हमारे सीजन 2 को खींच कर लाएगा। तो निश्चित रूप से अमित माँ, मैसेजेस बहुत सारे आए थे, बट एक मैसेज मैं शायद अपनी आखिरी सांस तक उस मैसेज को नहीं भूल पाऊंगा, जिसमें किसी ने आपको लिखा था कि इनको आप जितना प्यार करते हैं ना, उस प्यार से हमें प्यार हो गया है, उस प्रेम से हमको मोहब्बत हो गई है। जब वो मैसेज आपने पहली बार पढ़ा
तब आपको ये लगा क्या माँ कि हम जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिस प्रेम भाव की इंटेंसिटी को कि बौछार पहुंचना चाहिए, पहुंच रही है वो? जब मैंने वो मैसेज पढ़ा ना, तो आंखों में अश्रु थे, क्योंकि अमित प्रेम की ना कोई भाषा नहीं होती। प्रेम केवल और केवल आंसुओं से ही जाना जा सकता है। और जब उस मैसेज की इंटेंसिटी मैं समझ पा रही थी, क्योंकि जिसने भी वो मैसेज लिखा था शायद आज भी वो सुन रहे होंगे हमारा पॉडकास्ट, तो उनका भी वो प्रेम था जी महादेव के लिए, तभी तो वो मेरा प्रेम समझ पाए। लेकिन मैं अक्सर बोलती हूँ कि यू फॉल इन लव ओनली वंस, रेस्ट ऑल इज इन्फैक्चुएशन। तो प्रेम तो एक ही बार होता है, बाकी सब तो प्यार है। तो हाँ, सबसे पहले तो मेरा उनके लिए जो प्रेम है वो मुझे दिखाई दिया कि हाँ वो लोगों तक पहुंच रहा है। दूसरा मुझे लगा कि इनमें कितना प्रेम भरा है, कितने लोग हैं जो इनसे प्रेम करते हैं। और वो जो हमने बात की थी ना प्यार और प्रेम के अलग अलग होने की, बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रेम को समझ पाते हैं, लेकिन शायद उस पर ठप्पा लगाने की अब बारी आ चुकी है। इनफैक्ट उन रील्स के इंप्रेशंस ने ये साबित कर दिया कि प्रेम समझना शुरू कर दिया है लोगों ने। बिल्कुल। और आपका प्रेम, आपका भाव, आपका समर्पण, आपका संयम, आपकी प्रतीक्षा, ये सब कुछ, जब मैं प्रेम की बात करता हूँ नमा, तो ये सारे शब्द जुड़ते चले जाते हैं। ये सब कुछ ही तो प्रेम है। हाँ हाँ, ये प्रेम ही है। जैसा मैंने बोला ना कि प्रेम की कोई परिभाषा तो है नहीं। अब तुम बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है हाँ यही प्रेम है, पर क्या बोलूँ। अब कल हम जब देख रहे थे कि बाबा डोली में बैठ रहे हैं, आने वाले हैं, पहले गौरी मठ में रुके, उसके बाद धीरे धीरे बाबा की डोली और पास आती जा रही थी, तो मन में कुछ कुछ हो रहा था, आंसू ही तो निकल रहे थे, हम कुछ बोल थोड़ा रहे थे। रात को लग रहा था अब कहाँ पहुँचे, कोई तो बताओ कहाँ पहुँचे अभी वो। यही प्रेम है, और ये बहुत साधारण होता है, बहुत प्यारा होता है, इसमें कोई छल नहीं होता है, इसमें कोई कपट नहीं होता है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बस ये प्रेम होता है, बस प्रेम। आने की प्रतीक्षा हम अपने किसी घर के व्यक्ति की जब करते हैं, या कहीं पहुंचने की प्रतीक्षा होती है कि वो वहाँ पहुंचा या नहीं, वो घर आया या नहीं, यही प्रेम है। कि पहले के समय में जब मोबाइल नहीं थे और फोन्स भी नहीं थे, तो कहाँ पहुंचा होगा वो, कहाँ तक पहुंच गया होगा और कितने पास पहुंच गया होगा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यही भाव चल रहा था जो आप बता रही थी। तो धड़कनें बढ़ी रहती हैं कि कहाँ पहुँचे होंगे, विश्राम कर लिया कि नहीं, सुबह तैयार हो गए कि नहीं, यही तो होता है प्रेम। हाँ, वो इंतज़ार करना, वो कसक सी जो होती है, यही तो प्रेम है। और आजकल तो समय ही नहीं है इस प्रेम की अनुभूति करने का, क्योंकि आजकल प्यार है, प्यार है लोगों को एक दूसरे से, भगवान से भी प्यार है, प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम में तो बस एक समर्पण सा होता है, बस केवल समर्पण। और फिर जब समर्पण हो जाता है ना अमित, आपकी जो दुनिया होती है ना वो बड़ी सीमित सी हो जाती है। किसी के सुख में सुखी हो जाना, किसी के दुख में दुखी हो जाना, उसके दुख को अपना मानकर उस दुख को सुख में बदल देना, ऐसा मैं क्या करूं कि ये सुखी हो जाएं। जैसे उस दिन मैं तुम्हें बता रही थी कि पहले जब कैलासा में आती थी ना, तो घंटियां बजाती थी और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, एक अंदर एक आग सी होती थी, है ना। भक्ति भी अलग अलग रूप ले लेती है कभी कभी, तो वो अलग प्रेम था। लेकिन अभी कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि बड़ी सहजता सी हो गई है मेरे प्रेम में। अब मुझे लगता है कि क्यों शोर मचाऊं मैं, अगर वो सो रहे होंगे तो
क्यों घंटियां बजाऊं मैं, वो अगर सो रहे हैं, अगर वो विश्राम की स्थिति में हैं तो मेरी घंटी से उठ ना जाए। तो कभी कभी बड़े दबे पैर आती हूँ, बस उनको देखकर और अपने स्थान पर चली जाती हूँ। आजकल ये है मेरा प्रेम, आजकल ये है मेरा समर्पण, उन्हें किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो। अब अगर हम यही प्रेम अपने रिश्तों में डाल दें, आज शादियों की बात की जाए या माता पिता के साथ का संबंध हो या पति पत्नी का संबंध हो या एक बॉस का और उसके सबॉर्डिनेट का संबंध हो, कहाँ है ये समर्पण? कहाँ हम किसी के दुख को सुख बनाने की चेष्टा भी करते हैं? हम तो खुश होते हैं, हम तो जब कोई दुखी होता है तो बोलते हैं सही हुआ, ही डिज़र्व्स इट, उसके कर्म ही ऐसे हैं, ऐसी बातें करने लग गए हैं हम। तो अब उन रिश्तों में वो समर्पण ही नहीं रहा, इसीलिए दुख बहुत ज़्यादा फैल गया है। और अब तो ये हद हो गई है कि भगवान के साथ का संबंध भी अब ट्रांजैक्शनल हो चुका है, कि मैं तुम्हें तभी मानूंगा जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। मैं तुम्हें कितने समय से मान रहा हूँ, मैं तुम्हारा दीपक कितने समय से जला रहा हूँ, तुमने कुछ किया ही नहीं। मेरी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, मेरी शादी तो हुई नहीं, मेरा बच्चा तो हुआ नहीं, मेरा शरीर तो ठीक हुआ नहीं, मेरा कैंसर तो वहीं का वहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा दीप जला रहा हूँ, क्या फ़ायदा मिला मुझे तुम्हारे दीप जलाने से। इतना ट्रांजैक्शनल हो चुका है ना अमित सब कुछ, कि अब ये समझाना ही बड़ा मुश्किल है कि प्रेम का मतलब क्या होता है, समर्पण का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है। इम्पॉसिबल हो चुका है अब। और जो चंद लोग समझते हैं, इस बात को मानते हैं, वही लोग हैं जिन्होंने हमें मैसेजेस किए थे, जिन्होंने हमें इस प्रेम के लिए समझा था, हर हर महादेव लिखा था, ये वही लोग थे। माँ, हम आज के संयोग की बात कर रहे थे और शिव भाग्य जो पहला एक शब्द जिस पर बहुत चर्चा हुई जी, वो एक संयोग है। आज का संयोग, 10 मई का संयोग, कितना बड़ा संयोग है, आप बता रही थी इसके बारे में। देखो अमित, एक तो हर किसी को ये समझ भी नहीं होती, जो वो अपने जीवन की कुछ संयोग या कोइंसिडेंसेस जिसको लोग बोलते हैं ना आम भाषा में, कि वो समझ पाए कि ये उनके जीवन में क्यों बन रहा है, ये एक्चुअली उनका शिव भाग्य है। जैसा मैंने तुम्हें बोला कि जीवन की हर छोटी मोटी बात को, खाने को, उठने को, बैठने को अब शिव से जोड़ पा रहे हो, ये शिव भाग्य है। ऐसे ही जब हम सीजन 2 की बात कर रहे थे, कितनी इंटेंसिटी थी हमारी बातों में, लेकिन हम डे डिसाइड कर रहे थे और हमने सोचा चलो संडे कर लेते हैं, 12 तारीख कर लेते हैं, फिर हमारी कैमरा टीम अवेलेबल नहीं थी, करते करते फ्राइडे कर लेते हैं, हमारी बात हुई कि शुक्रवार कर लेते हैं, लेकिन उस समय भी हमें डेट याद नहीं थी। अब सब की अवेलेबिलिटी हो गई शुक्रवार के दिन की, उसके बाद देखा ये तो 10 तारीख है, 10 मई यानी अक्षय तृतीया का दिन, 10 मई यानी अद्भुत संयोग, यानी कि बाबा जो है अपने धाम जाएंगे और कपाट खुलेंगे उस दिन। इसी दिन माना जाता है कि त्रेता युग का की शुरुआत हुई थी, परशुराम जी का इसी दिन वो प्रकट हुए थे, कृष्ण और सुदामा इसी दिन मिले थे, माँ गंगा इसी दिन अवतरित हुई थी, अक्षय पात्र पांडवों को मिला था, सूर्य भगवान ने उन्हें दिया था। कितना अद्भुत संयोग है। अब जब हम सीजन 2 इसी दिन कर रहे हैं, यानी कि इस दिन की ऊर्जा उन्होंने निश्चित की है कि तुम इसी दिन बैठकर मेरे बारे में बात करोगे, चर्चा करोगे, ये संयोग होता है जिसको एक भक्त सर माथे लगा लेता है। वो कोई सवाल नहीं पूछता कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों, वो फिर जब बोल दिया तो बोल दिया। आपकी एक बात मुझे याद आ रही है सीजन 1 वाली, अभी जब आप ये बात कह रही थी
तो उस वक्त का वो एक मिनट का संवाद मुझे अभी याद आ रहा है। आपने उस वक्त कहा था कि ये सब तय करके रखते हैं, कब बात करोगे, कितनी बात करोगे, कितनी नहीं करोगे, आज इतना चाहूँगा इतना ही करोगे। ये सीज़न टू के शुरुआत में इन्होंने इस बात को दोबारा मैंडेट कर दिया कि देखो मैं जो तय करूँगा वही करोगे। आपको लगता है माँ ऐसा ये डेट का तय होना, इन बातों का इस तरह से होना? 100% इसमें कोई शंका या इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था शिव विज्ञान के परे हैं, मैंने बोला था तुम्हें। हमने विज्ञान पर भी चर्चा करके देख ली, एक प्रयोग किया हमने, एक प्रयोग हमने किया। अपनी ऑडियंस से ही पूछ लेना, शिव विज्ञान के परे हैं। विज्ञान जो बात करता है तर्क की कुतर्क की, एक भक्त उससे परे है। भक्त के लिए क्या लेना देना, भक्त तो पूर्ण समर्पण में है। भक्त के लिए तो जो इन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। अब विज्ञान क्या कहता है, प्रूव क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें क्या लेना देना उससे? क्योंकि हमें तो ये पता है अगर कुछ सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, अगर कुछ सत्य है, अगर कुछ सुंदर है, तो वो केवल हमारे शिव, बस और कुछ नहीं। एक बार माँ आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आपने भक्त और ज्ञान का अंतर मुझे बताया था कि हम जब किसी को भक्त कह देते हैं ना तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। बट आज के समय में अगर हम इसको समझना चाहें कि भक्ति और ज्ञानता, एक भक्त होना और एक ज्ञानी होना, दोनों में डिफरेंस क्या है? और लोग कहेंगे फिर सुपीरियर कौन है, इसमें बड़ा कौन है, भक्त या ज्ञानी? ये तो वही वाली बात हो गई जो कृष्ण और उद्धव का संवाद है। उद्धव जी कहते हैं कि ज्ञान बड़ा, और कृष्ण बोलते हैं कि प्रेम बड़ा, यानी भक्ति बड़ी। तो अभी वो लंबी कहानी है, उसका तो समय नहीं है, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि ज्ञान जब होता है ना, हालांकि ज्ञान योग भक्ति योग सबकी व्यवस्था भी है और सब सबके बारे में बात भी की गई है हमारे शास्त्रों में, लेकिन ज्ञान क्या होता है ना, ज्ञान आने से एक मनुष्य अहंकारी हो सकता है, उसमें ईगो आ सकती है, अहम ब्रह्मास्मि वाला एक एटीट्यूड आ सकता है उसमें कि हाँ अब मैंने इतने पोथे पढ़ लिए, अब मैंने ये भी पढ़ लिया, अब मैंने ये भी डिग्रियां ले ली, डिग्रियां तो मैंने भी ली, गोल्ड मेडल्स तो मेरे को भी मिले। लेकिन वो वाला जो ज्ञान होता है ना, वो हमें अहंकारी बना देता है, हमें ईगोइस्टिक बना देता है, हमें कुछ लोगों से ऊपर बना देता है। हम सोचते हैं कि ये तुच्छ प्राणी है एंड मैं जो हूँ मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने कुछ पोथे पढ़ लिए। भक्त ऐसा नहीं होता, भक्त को ज्ञान होता है, लेकिन भक्ति का मतलब होता है ज्ञान के साथ साथ आपको समर्पण आ गया। सो जो भक्त होता है वो समर्पण में होता है, उसके लिए ज्ञान का तर्क कुतर्क कोई मायने नहीं रखता। अगर हम उदाहरण के तौर पर इसको समझने की कोशिश करें तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो श्री राम ने हनुमान जी को बोला कि जाओ और ये बूटी ले आओ। अब वैसे तो हनुमान जी को वो बूटी कैसी दिखती है, कैसी होगी, उसका नाम क्या है, वो कहाँ मिलती है, इतना तो उन्होंने ज्ञान नहीं लगाया, इतना तर्क कुतर्क उन्होंने नहीं किया। उन्होंने श्री राम से ये भी नहीं पूछा कि प्रभु ये कहाँ मिलेगी, कितनी दूर जाना पड़ेगा, कब तक वापस आऊँगा, कितने घंटे लगेंगे, कुछ नहीं पूछा ना उन्होंने। वो बस गए, उन्होंने ढूंढा, क्योंकि वो भक्ति रस में थे ना, जी उनमें तो भक्ति रस था। तो वो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो आप देखिए उनकी भक्ति में कितनी पावर थी, वो पूरा पहाड़ ही लेकर आ गए। यानी कि इससे ये भी मालूम चल रहा है कि असली पावर भक्ति में होती है, तभी तो वो इतना बड़ा पहाड़ ला पाए। लेकिन आज के अगर हम सिनेरियो से इसको कंपेयर करें तो कुछ कहा जाए उससे पहले आपको सवाल बहुत आ जाते हैं, कितना समय लगेगा, कितने समय में मुझे ये मिलेगा, अगर मैं इतने दिन करूं तो मुझे अब दिया जलाना है कितने दिन जलाऊं, मंदिर जाना है कितने दिन मंदिर जाऊं तो मेरी बात पूरी हो जाएगी, वहां गया और नहीं मिला तो? तो यानी कि भक्ति और ज्ञान बिल्कुल अलग अलग दो चीज़ें हैं। किसी चीज़ का ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऊंचे बन गए, क्योंकि याद केवल भक्तों को किया जाता है, ज्ञानियों को नहीं किया जाता। तभी तो जब उद्धव ने भी जान लिया
कि ये कृष्ण सही कह रहा है, जिस जो प्रेम गोपियां करती हैं, जो प्रेम नंद बाबा करते हैं, जो प्रेम यशोदा का है, अरे बाप रे, वो कहाँ कोई ज्ञान से कोई प्रूव कर सकता है? क्या तर्क, क्या कुतर्क है ज्ञान का? कोई क्यों किसी से इतना प्रेम कर सकता है? क्यों गोपियां कृष्ण के जाने के बाद लाशों सी घूम रही थी? इसका क्या कोई जवाब देगा? इसका विज्ञान या ज्ञान क्या जवाब देगा? ये तो केवल भक्त ही जान सकता है कि जब वो अपने भगवान से एक क्षण के लिए भी जुदा होता है तो उसके मन की क्या स्थिति हो जाती है। एक क्षण के लिए भी आज अगर आप सोचो, एक क्षण के लिए भी महादेव आपसे नजरें हटा लें, बोले मुझे नहीं देखना तुम्हारी ओर, क्या स्थिति होगी तुम्हारे मन की? ये तो हमारा मन इतना उल्लास में इसीलिए रहता है क्योंकि हमें पता है कि वो हर पल, हर क्षण, हर माइक्रो सेकंड हमारे साथ हैं। आज अगर मुझे ये लगे कि इन्होंने अब मेरी ओर देखना बंद कर दिया है तो पता नहीं वो एक श्वास भी मैं कैसे ले पाऊंगी। ये भक्त, ये आपकी भक्ति की पराकाष्ठा है, ये आपके प्रेम की पराकाष्ठा है। इसको आप ज्ञान से क्या तोलोगे? तुल ही नहीं सकता। माँ, अभी इस बातचीत के दौरान आपने एक बार मुझे राधा और कृष्ण की एक कहानी भी सुनाई थी कि प्रेम और भक्ति क्या होती है, और उसमें आपने उदाहरण दिया था कि उनकी तबीयत खराब हुई थी कृष्ण की। और तो एक बार कृष्ण की तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत क्या खराब होती है, लीला ही है, भगवान लीला ही तो करते हैं। तो इनकी तबीयत खराब होती है तो अब बुखार ही नहीं उतर रहा है इनका, तो इलाज ये बताया जाता है, अब रुक्मणी इनकी पत्नी है और इलाज ये बताया जाता है कि अगर कोई गोपी अपने पैर धोकर इनके माथे से लगा दे वो पानी, तो ये ठीक हो जाएंगे। रुक्मणी को जब पता लगता है तो रुक्मणी हालांकि पत्नी है लेकिन वो नहीं कर पाती, वो बोलती है ये मेरे पति हैं, ये परमेश्वर हैं, ये कृष्ण हैं, ये देवता हैं, ये भगवान हैं, स्वयं हरि हैं, मैं कैसे अपने पैर धोकर उस पानी को कैसे इनके मस्तिष्क पर स्पर्श कैसे कर सकती हूँ? अरे बाबा, मैं पाप की भागीदारी नहीं कर बन सकती, मैं पापन नहीं बन सकती। लेकिन जब राधा तक ये खबर पहुँचती है कृष्ण को बुखार है और यही एक इलाज है उसका बुखार ठीक करने का, तो वो तुरंत कर देती हैं और कृष्ण ठीक हो जाते हैं। तो रुक्मणी और राधा का संवाद है ये, कि रुक्मणी पूछ रही है राधा से कि तुमने ये कैसे किया कृष्ण को अपने पैर धोकर? तो राधा बोलती हैं, बहुत सहज स्वभाव से बोलती हैं, देखिए रुक्मणी ज्ञान से बोल रही है, राधा बहुत सहजता से बोलती है कि मेरे लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण से ज्यादा और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसके सुख के लिए, उसके सेहत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये एक कर्म ही तो था, एक कार्य ही तो था, उन्होंने कर दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा, मैं स्वर्ग जाऊंगी या मैं नरक जाऊंगी, उन्होंने ये नहीं सोचा। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। हर बार आप इतिहास में देख लीजिए, आप पुराणों में देख लीजिए, हर बार ज्ञान और प्रेम, ज्ञान और भक्ति के बीच की बहुत कहानियां हैं जो कि भगवानों ने अपनी लीला करके समझाई हैं। इसके साथ एक और कहानी याद आ रही है मुझे जी, और प्रसंग है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा लेकिन मन को छू जाता है और सोचते हैं कि ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या, क्योंकि कलयुग है ना, अब हम कहानियां सुना रहे हैं द्वापर युग की, त्रेता युग की, जब शायद ये संबंध हुआ करते थे, अब क्या है ना, संबंध तो है नहीं, सब रिश्ते हैं, तो ये कहानियां भी थोड़ी अजीबोगरीब लगती हैं, तो थोड़ा लगता है कि पता नहीं कौन से युग की बातें कर रहे हैं लोगों को, ये भी लगता है वाकई हुआ होगा क्या ये, हाँ ऐसा भी सोचते हैं ये वाकई हुआ होगा या सिर्फ ऐसे ही कहीं लिख दिया गया कहानी के तौर पर। तो अभी सोचो 50 साल बाद, 100 साल बाद तो क्या ही होगा, फिर तो पता नहीं, लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे शायद। तो ऐसे ही एक प्रसंग है प्रेम का ही, कि
क्योंकि हम संबंध की बात कर रहे हैं तो भाई भाई में भी तो संबंध हुआ करते थे, आजकल तो रिश्ते ही हैं आजकल तो जब श्री राम जो है वनदेवी का आह्वान करते हैं और बोलते हैं कि तुमसे काम है, तो वनदेवी बोलती हैं आप आदेश कीजिए, काम क्या है आप आदेश कीजिए, तो बोले जंगल के सारे कंकड़ हटा दो, इस पथ पर जो सारे कंकड़ हैं वो सब हटा दो। तो बोले क्यों? बोले भरत मुझे आएगा ढूंढता ढूंढता। तो बोली, तो वनदेवी देखिए ज्ञान से बोली ना वो, तो वनदेवी बोली कि अरे क्या तुम्हारा भाई पराक्रमी नहीं है, भरत है वो तो, वंश देखिए क्या वो इतना पराक्रमी नहीं है कि वो कांटे झेल पाए, या जंगल में आए तो जंगल की जो जितनी भी तकलीफें हैं वो झेल पाए। तो श्री राम बोलते हैं अरे नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं है, वो बहुत पराक्रमी है, वो बहुत बड़ा शूरवीर है, कम मत मानना उसको, लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि अगर उसके पैर में कांटे लग गए तो वो इतना दुखी हो जाएगा, उसके मन में इतना विलाप आ जाएगा कि मेरा बड़ा भाई इसी रास्ते से गया था और ये कांटे उसी उसके पैरों में चुभे थे, उससे ये नहीं सहा जाएगा। ओहो, ये है प्रेम, ये है भक्ति। इसीलिए भरत भी भक्त था, लक्ष्मण से बड़ा भक्त था भरत। 14 वर्ष तक किसने राज किया? खड़ाऊ ने। ये थी उसकी भक्ति और ये थी एक बड़े भाई का प्रेम, प्रेम जो बोल रहा है कि नहीं नहीं वो शूरवीर है लेकिन उसके जो पैरों में कांटे लगेंगे, देखिए सोच देखिए, तो वो ये सोचेगा कि अरे मेरे बड़े भाई यहाँ से गए थे तो ये कांटे उनको भी लगे होंगे और मेरी वजह से लगे होंगे, तो वो आत्मग्लानी से ना जी नहीं पाएगा। ये है प्रेम। क्या ज्ञान है इसमें? इसमें कुछ ज्ञान नहीं है। ये भक्ति या भक्त गाली कैसे हो गया? महादेव ने जब माँ पार्वती की इतनी परीक्षाएं ली, कैलाश पर तो सब दुश्मन भी आपस में प्यार से रहते हैं, आप देखिए ना नागों से डरते हैं सब, वासुकी बना के अपने गले में धारण किया हुआ है। अगर आपको शिव नहीं दिख रहे तो इसका मतलब आप कलेश में हैं,